यूक्रेन के अवदिवका में रूस ने बड़ा हमला किया है। हमले में अब तक 510 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस ने एक और अमेरिकी टैंक ध्वस्त कर दिया है। पिछले 6 घंटे से जारी है अवदिवका में जंग, लेकिन पुतिन के एक फैसले ने वॉर्सॉ और लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक तनाव बढ़ा दिया है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर रिवने पर मिसाइल हमला किया। हमला नाकाम रहा, लेकिन मिसाइल से मिले परमाणु वॉरहेड से पूरे यूरोप में दहशत फैल गई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर कम तीव्रता वाले परमाणु हमले का प्लान तैयार कर लिया है। रिवने पर दागी गई मिसाइल में एक डमी वॉरहेड लगाकर परमाणु अभ्यास किया गया है। पुतिन ने परमाणु हमले से पहले नेटो के साथ महासंग्राम की तैयारी भी पूरी कर ली है। देखिए क्या है पुतिन का परमाणु प्लान और कैसे रिवने पर परमाणु हमले का अभ्यास करने के बाद विश्व युद्ध का अलार्म बज उठा है। मार्च को यूक्रेन पर मंडराते परमाणु बॉम्बर से हुए हमलों से विनाश के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं। इन संकेतों का सबूत है मिसाइल के ये टुकड़े। ये टुकड़े इस बात का प्रमाण है कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली। 31 मार्च को रूस के परमाणु बॉम्बर हमले का अभ्यास कर चुके हैं। कैलिनिनग्राद में रूस के बाल्टिक बेस से परमाणु बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। करीब 600 किलोमीटर की उड़ान के बाद ये बॉम्बर यूक्रेन के रिनवे शहर पहुंचे और यहां मिसाइल हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने परमाणु बॉम्बर से दागी गई मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल 27 से इंटरसेप्ट कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ रूसी मिसाइल के टुकड़े रिनवे के जंगल में गिरे। इन मिसाइल के टुकड़ों को एयरोस्पेस फोर्सेस ने इकट्ठा किया और लैब ले जाया गया। मिसाइल के टुकड़ों की जांच में पता चला कि मिसाइल के अंदर एक परमाणु बम की डमी थी। यूक्रेनी फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूस का न्यूक्लियर डमी हथियार भी दिखाया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि यह KH-55 क्रूज मिसाइल का वॉरहेड है। रूस जिन मिसाइलों और वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत विनाशक है। जो वॉरहेड यूक्रेन की सेना ने दिखाया उसे थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन पर रूस लगातार मिसाइल हमले कर रहा है और 2022 से अब तक तीसरी बार यूक्रेन को रूस का न्यूक्लियर डमी वॉरहेड मिला है। खास बात यह है कि KH-55 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी के लिए ही डिजाइन किया गया है। रूस की KH-55 SM कैलिबर क्रूज एक स्ट्रेटेजिक सबसोनिक मिसाइल है। ये रूसी सेना की पहली क्रूज मिसाइल कही जाती है, यानी बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसको खास तौर पर परमाणु हमले के लिए डिजाइन किया गया है ताकि कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो। रूस की KH-55 SM कैलिबर क्रूज मिसाइल 1987 में विकसित की गई थी। इस मिसाइल की ताकत और रेंज बढ़ाने के लिए इसमें अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए थे। अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने के बाद इस मिसाइल की रेंज 3,500 किलोमीटर तक हो गई। ये मिसाइल 410 किलोग्राम तक का परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है।
रूस का मिसाइल हमला भले ही नाकाम रहा, लेकिन अगर वॉरहेड डमी के बजाय असली होता तो इंटरसेप्ट होने पर भी न्यूक्लियर विस्फोट तय था। रूस तीसरी बार यूक्रेन पर परमाणु हमले का अभ्यास कर चुका है और यूक्रेन के एक पूर्व नेता ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि रूस बहुत जल्द परमाणु हमला करने वाला है। ये है यूक्रेन के पूर्व राजनेता विक्टर मेदवेदचुक। ये यूक्रेन से निर्वासित हैं, रूस में रहते हैं। विक्टर ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं छोड़ते तो परमाणु हमला होने ही वाला है। पुतिन अपने राष्ट्रीय संबोधन में भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन विजय नहीं हुई तो विनाश का द्वार खोलना तय है। राष्ट्रपति पुतिन के पास यूक्रेन पर परमाणु हमला करना ही अंतिम विकल्प बचा है। जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक रूस कम तीव्रता का परमाणु हमला कर सकता है, यानी KH-55 मिसाइल से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन विरोधी गुट से डर्टी बम हमला कराया जा सकता है या फिर यूक्रेन के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट कराया जा सकता है। रूस का ये हमला 2 महीने बाद होने की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार का कार्यकाल 2 महीने से भी कम बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की प्रशासन यूक्रेन में चुनाव नहीं कराएगा। चुनाव ना होने की सूरत में यूक्रेन सरकार की वैधता खत्म हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन सरकार के हमलों को रूस आतंकी हमलों की श्रेणी में रखेगा। इन हमलों के जवाब में रूस परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पुतिन परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR की रिपोर्ट है कि रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल का बड़ा जखीरा जमा किया है। जल्दी इनसे यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। रूस KH-55 और KH-101 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले करेगा। रूस ने नौसेना और थल सेना के जरिए हमले का प्लान बनाया है। इन क्रूज मिसाइलों से कम तीव्रता वाले परमाणु हमले की आशंका भी है। परमाणु हमले से पहले पुतिन ने महासंग्राम की तैयारी भी कर ली है। रूस में सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान शुरू होने जा रहा है। पुतिन ने रूस में 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती का राज्यादेश जारी कर दिया है। 18 से 30 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। पहले यह आयु सीमा 27 से 30 साल तक थी। पुतिन जानते हैं कि कम तीव्रता वाले परमाणु हमले के बाद लंबी जंग लड़नी होगी, इसीलिए बड़ी तादाद में युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन विजय के लिए नेटो से सीधे युद्ध की तैयारी कर ली है और पुतिन की इस तैयारी से पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर के सायरन बजने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।